भावलोक फ्रॉम वेब शो इतनी थ्योरी लेकर बैठा है और अभी तक इतनी थ्योरी हमने सेट कर दी है इस शो से रिलेटेड, लेकिन अभी भी इस शो की स्टोरी का बाल भी बांका हम लोग नहीं कर पाए हैं कि आखिर हमें आगे मिलने क्या वाला है। और अभी तक सीजन 3 के 6 एपिसोड इन्होंने डिलीवर भी कर दिए हैं, यानी 6 एपिसोड डिलीवर भी कर दिया है। बहुत डेटा हमें अभी तक मिल चुका है स्टोरी से रिलेटेड, लेकिन उस डेटा से इस शो की स्टोरी डिकोड हो जाए। मेकर ने एक छोटा सा क्लू तक भी नहीं दिया है, लेकिन अभी मैं और जबरदस्त थ्योरीज लाया हूं जो मे भी आगे हेल्प कर जाएं। देखो अभी तक जो अभी हमें मेकर ने दिखाया, 6th एपिसोड तक की बात कर लो या फिर 7th एपिसोड के प्रोमो की बात कर लो, जैसा मेकर्स ने नचा रहा है हमें वैसे ही रूप में पॉजिटिवली हम स्टोरी की थ्योरी सेट करते जा रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा निगेटिव वे में ट्राई करेंगे, जहां बीती स्टोरीज के अनफोल्डिंग क्लूज की भी मदद लगेगी। एंड यू ऑल आर वेरी वेरी अमेजिंग ऑडियंस, और बहुत लोगों ने प्रोमो ब्रेकडाउन वाली वीडियो में इस शो से रिलेटेड अपने काफी थॉट्स शेयर करे, जो अगेन मुझे अपनी थ्योरी के कुछ पॉइंट डिकोड करने में हेल्प भी करके गए। तो मैं वीडियो के लास्ट में उन 4-5 बेस्ट कमेंट्स को भी जो इन्फॉर्मेटिव थे, इनको आपके साथ शेयर करूंगा लास्ट में। एंड ऐसे ही अपने थॉट्स इस शो से रिलेटेड कमेंट में शेयर करते रहा करो, मजा आता है तुम्हारे इस एंगेजमेंट को देखकर। चलो शुरू करते हैं। भावलोक, डू यू रिमेंबर इस सीजन के स्टार्टिंग में क्रिएचर ने बॉयड को चैलेंज किया था कि तुम सबको नहीं बचा सकते, एंड टॉन्ट कसा था कि तुम कह रहे थे कि ये जगह तुम्हें तोड़ नहीं सकती, ब्रेक नहीं कर सकती, एंड उसी के सामने फिर ट्यान चैन को मार लिया था। और ये पहली सीढ़ी थी बॉयड को सफ़र कराने की, ऑल्सो टाउन के लोगों को भी सफ़र कराने की। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस टाउन का एक्सपेरिमेंट सिर्फ अभी तक यहां के लोगों को तोड़ने का ही चल रहा है, जो अगेन एंड अगेन मल्टीपल तरीके से थ्रेट दे रहा है। अच्छा, टाउन के एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है तो एक कमेंट आया था कि ये जगह कोई एक्सपेरिमेंटल हब तो नहीं हो सकती है, जो यहाँ के लोगों को फंसा कर एक तरीके से डेथ गेम खेल रही हो, या फिर डेथ गेम चल रहा हो यहाँ पर। बाबा, नो डाउट एक बार के लिए मुझे भी ये लग रहा है, और इसके ऊपर जो मास्टरमाइंड होगा वो बहुत ख़तरनाक बंदा होगा। लेकिन एक तरफ से ये बात भी आती है कि ये सब सुपरनेचुरल भी तो हो सकता है। यस, इसकी भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो, जो एक्चुअली करप्ट इंसानों को एक साथ मिलकर रहना सिखा रही हो, यूनिटी पावर का एक वैल्यू समझा रही हो, कैसे एक साथ मिलकर सभी लोग इस थ्रेट को बीट कर पाएं, यूनिटी वही सिखा रही हो। दोनों पर्सपेक्टिव ऑसम है और बहुत वार्मिंग टॉपिक है, इस पर एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कभी, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि। बैक टू द पॉइंट, आफ्टर टियान चैन डेथ टाउन के लोगों का फूड सप्लीमेंट डिस्ट्रॉय करा, उसके बाद रैंडल का अधमरा छोड़कर कॉलोनी हाउस के जस्ट आगे पटक कर चले जाना, इसी के साथ साथ फातिमा का ये ह्यूज एंड मिस्टीरियस चेंज, देन डेल की मौत, और ये सारे टास्क अभी तक टाउन के लोगों को, खासकर बॉयड को तोड़ने का ही काम कर रहे थे, जिसमें डॉना, जो बॉयड की तरह ही मेंटली पावरफुल एंड इमोशनली स्ट्रांग थी, बाबा हमने देखा कि डॉना बुरी तरीके से टूटते नजर आ रही है। बस एक बॉयड है जो सभी को संभाल के रखा है अभी तक काफी स्ट्रांगली। लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ फातिमा और रैंडल के कैरेक्टर से स्टोरी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं फातिमा के चेंजेस के हिसाब से, जो दिन पे दिन इविल क्रिएचर में चेंज होती नजर आ रही है, जो अभी तक लग रहा था कि ये सब शायद उसकी प्रेगनेंसी के कारण हो रहा हो, पर बाबा नहीं, ये प्लेस एक्चुअल में फातिमा को चेंज कर रही है। जहां देखा जाए तो ये सब एक प्लान्ड टास्क की तरह ही लगा, ये सब्जियों का सड़ना, गलना, कष्ट हो जाना, और फातिमा का इंटेंसली उन सब्जियों का, मतलब रॉटन वेजिटेबल्स का खाना, मतलब एक तीर से दो निशाने वाला हिसाब। टाउन के लोगों को भी इंटरनली तोड़ दिया, सफर कराया, और फातिमा का एक्सपेरिमेंट में भी ये सफल हो गई, जो शायद इसका पहला टेस्ट हो उन सड़ी गली सब्जियों को खाने वाला। देन उसके बाद ऑल सडन निकी का मरना, जो अगेन फातिमा के लिए एक और सेकंड टेस्ट की तरह साबित हुआ, और फातिमा ने निकी का ब्लड, इसको खून चाट कर, जो हमने देख ही लिया, उसका खून ब्लड ड्रिंक किया या चाट लिया, जो भी समझ सकते हो, सब कुछ पेस के साथ निकलता गया। देन एम्बुलेंस का टाउन में आना, और उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन का होना, और उससे ये चेक करवाना कि वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, जो हम सोच रहे थे, जिसकी वजह से ये शायद ये सारे साइकोटिक बिहेवियर वो ये कर रही है। मतलब इट लुक लाइक कि ये तो सब प्लान का हिस्सा था बाबा, मतलब टाउन के लोगों के लिए, और हमें तुम्हें रियलाइज कराना है कि ये जगह तुम लोगों को तोड़ सकती है, वो भी बुरी तरीके से, और फातिमा को तुम्हारे सामने हेल्पलेसली कन्वर्ट करके, करप्ट करके ले जाएंगे अपने साथ, तुम्हारे आंखों के सामने ही, तब देखते हैं कि तुम लोग यहाँ टूटोगे या नहीं। इसी के साथ ये मैसेज भी देना है कि बॉयड और बाकी के टाउन के लोग, तुम्हें हमारे सामने झुकना पड़ेगा कैसे भी। जो हमने प्रोमो में भी देखा, बॉयड अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो कहीं ना कहीं अंदर से टूटते नजर आ रहा है। देखो कहते हैं ना कि किसी चीज का अगर साइड इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी होता है। मे बी मान लिया जाए फातिमा इविल क्रिएचर में चेंज हो गई,
हो गई तो शायद इससे टाउन के लोगों को क्रिएचर को समझने में भी तो आसानी हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इट सेंड डायरेक्ट सिग्नल कि जो अदर क्रिएचर हैं वो भी शायद टाइम टू टाइम फातिमा की तरह ही कन्वर्ट एंड करप्ट हुए होंगे। तो फातिमा का कन्वर्ट होना जब क्लोजली देखा जाएगा टाउन के लोगों से या फिर बॉयड से किसी से भी, तो शायद कहीं ना कहीं ये क्लू भी छोड़ जाएगा कि इसे खत्म हम कैसे कर सकते हैं जिससे बाकी के क्रिएचर को भी बीट करने में आसान नहीं रास्ता यहाँ से निकल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, क्रिएचर खत्म करने की बात आ ही रही है तो एक भाई ने कमेंट किया था बड़ा सॉलिड कि क्रिएचर को तलवार से काट सकते हो या फिर मार सकते हो या फिर उसे आग से भी जला सकते हो, तो ये भी काफ़ी पॉसिबल चांसेस है भाई। आग तो अच्छों अच्छों को नष्ट कर देती है, टाउन के लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम भाई ऐसे भी कर सकते हो। लिटरली मैं इस कॉमेंट के इन्फॉर्मेशन से बहुत इंप्रेस हुआ, फ्रॉम मेकर्स के अनबीटेबल क्रिएचर पर मूड दिया इस भाई ने, बेस्ट था ये। तो बाबा फातिमा का एंगल कैसा क्या चेंज होगा वो एपिसोड 7 में देखते हैं हम, कि आखिर मेकर अब और क्या इसके साथ बुरा करना चाहेंगे, कहीं फातिमा को वैम्पायर बनाने की तैयारी तो नहीं चल रही है जो वो खून पी रही हो, है ना, ये सिग्नल देता है, या मे बी जॉम्बी जो ये सड़ा कुचला गंदा फंदा जो भी खा रही है। व्हाट इज योर थॉट फातिमा के लिए भाई, जरूर बताना नीचे कमेंटों से। अब बात करते हैं रैंडल के बारे में। देखो रैंडल को हम सब जानते हैं, टफ गाय है, अकड़ू स्वभाव का है और अकेले में रहना ये बंदा जानता है, सोसाइटी के साथ घुलना मिलना इसे नहीं सीखा है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। और आफ्टर दैट इंसिडेंट हमने देखा पिछले एपिसोड में रैंडल इतनी आसानी से मान गया मेरिल और क्रिस्टी के साथ क्लिनिक में रहने के लिए, जबकि वो तो उल्टा टाउन के लोगों से गुस्सा था क्योंकि बॉयड ने उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया था। तो ये तुम्हें एक सोची समझी साजिश नहीं लगती जहां ये बंदा लिटरली कहीं ना कहीं क्रिएचर से इंटरकनेक्टेड हो, और मान लेते हैं कि शायद ये चीज इसे पता ना हो या फिर पता भी हो सकती है, और एक कठपुतली की तरह एक्ट कर रहा हो उन क्रिएचर्स की जो ये भी नहीं जानता है, जो टाउन के लोगों को अंदर से खोखला करेगा आगे जाके, यानी मेंटली या इमोशनली डैमेज करने आया हो शायद। क्योंकि बॉयड की उस थ्योरी की बात करें कि ये जगह उन्हें ब्रेक नहीं कर सकती, तो बाबा ये रैंडल को ऐसे जिंदा छोड़ना जो सेंस नहीं बनाता। कभी भी क्रिएचर्स ने जिंदा नहीं छोड़ा है अपने होस्ट को, चीर फार बुरी तरीके से मार काट ही करी है, चलो जिंदा छोड़ा भी तो उसे घर के गेट तक ला के पहुँचा के जाने का क्या मतलब था, जबकि उसे अधमरा तो स्ट्रीट पर भी छोड़ के जा सकते थे, लेकिन कॉलोनी हाउस के गेट पर छोड़ कर जाना बाबा ये इतना सिंपल तो नहीं लग रहा जैसा हमें दिख रहा है। अचानक से जो अभी तक रूड एंड टफ गाय था, इसका सडनली बिहेवियर सोशियो फ्रेंडली हो जाना, देखो कुछ तो मेकर ने इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है और या करेंगे आगे जाकर, वो देखते हैं एपिसोड 7। बात अगर प्रोमो की करें एपिसोड 7 की, तो भाई रैंडल जूली के साथ उस डंजियंस प्लेस तक पहुंच गया है जहां अगर आपको याद होगा तो रैंडल जूली एंड मेरिल की आत्माओं को एक इविल स्पेल के साथ यहां पर कैद कर दिया गया था पिछले सीजन में। और देखा जाए तो ये सब एक सोची समझी चाल नहीं बनाता कि रैंडल का ठीक होते ही जूली को अपने साथ फिर उसी जगह में ले आना जहां मोस्ट प्रोबेबली रैंडल ने मेरिल को भी कन्विंस करने की कोशिश करी होगी, लेकिन क्रिस्टी की हालत ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई मेरिल के पास ना करने का बहाना था, लेकिन जूली आ गई इसके साथ कन्विंस होकर। जहां रैंडल की फुटेज में, ये वाले प्रोमो की फुटेज में, ये एक अगेन एंगर लुक विद अ लॉट ऑफ सस्पिशियस मिस्ट्री लुक देखने को मिल रहा है, जो एक ऐसा वाइब दे रहा है, लग रहा है कि इसलिए तो मैं तेरे को लाया था यहाँ पर, यानी जूली के हिसाब से बात करें। बहुत कुछ है एपिसोड 7 में, अब बिट ऑफ पॉसिबिलिटी लग रही है कि रैंडल का बैड गाय बनना पॉसिबल है, जो जूली को विलिंगली इस डंजियन प्लेस तक लेकर आया, जो क्रिएचर ने इससे करने को कहा ही होगा, जो अगेन इस थ्योरी को प्रूव करता है कि बॉयड तुम्हें ये जगह ब्रेक कर रही है या नहीं। देखो घुटने टेकोगे या नहीं, देखते हैं एपिसोड से और में क्या है इसके साथ और भी ज़्यादा कुछ। बाकी आज बस इन्हीं दो करेक्टर को लेकर थ्योरी थी, अभी बहुत सी थ्योरी और हैं मेरे पास, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए अभी यहाँ लगाते हैं विराम। बाकी मेरा काम यहाँ होता है खत्म, तुम्हारा काम होता है यहाँ से चालू। तुम्हारे थॉट इन दोनों करेक्टर को लेकर क्या चल रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर भर डालो, और भी कुछ इस शो से रिलेटेड, इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ और है तुम्हारे मन में तो वो भी नीचे जरूर बता दें। बाकी जो प्रॉमिस कराया गया था कि वीडियो के लास्ट में वो 4-5 बेस्ट कमेंट डाले जाएंगे जो काफ़ी इंप्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव थे, इन्हें पॉज करके आप पढ़ सकते हो, जिसमें से ये तलवार से काटने वाला ये बढ़िया था, उसके बाद ये मेज रनर से कंपैरिजन वाला ये भी बढ़िया था, इस पर बात होगी किसी वीडियो। देन ये टैबिथा एंड विक्टर का सिबलिंग कनेक्शन, ये भी सोचने वाली बात है, इस पर भी कहीं बात करेंगे, बाकी तुम पढ़ लेना पॉज। एंड यहाँ लगाते हैं विराम, वीडियो कैसी लगी बाबा नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना, और भी कुछ आपकी तरफ से क्या हो वो भी जरूर नीचे शेयर करके जाना।